बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, चाओ, वेलकम टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज अमान में रखे। तो आज हम बनाएंगे ग्रिल चाँप। मटन की चाँपें ले ली हैं मैंने, तो चाँपों के ऊपर आप देखें थोड़ी थोड़ी सी चर्बी भी है, ऐसी आपने चाँपें करवा लेनी है। मटन की चाँपें हैं और 1 किलो तकरीबन ये चाँपें। इसके साथ मैंने ले लिया है सोया सॉस। इसके अंदर डालने के लिए 2 से 3 टेबलस्पून डालूंगी दही के, 2 से 3 ही टेबलस्पून डाल लूंगी मैं सिरका। और मसाला जात में मैंने बड़े थोड़े थोड़े मसाले लिए हैं, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। सबसे पहले नमक हसबे जायका, हल्दी 1/4 टेबलस्पून, और ज़ीरा और सूखे धनिए का पाउडर वो भी 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून ही हमें गर्म मसाला पाउडर चाहिए। और 1 टीस्पून मैंने ले लिया है तंदूरी मसाला। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो देखें, एक बाउल ले लिया है, बाउल में डालूंगी 2 से 3 चम्मच योगर्ट के, और इसके साथ ही डाल लूंगी तकरीबन 1/2 टेबलस्पून जो है सोया सॉस, 2 से 3 टेबलस्पून डाल लूंगी इसमें मैं सिरका। ये आप देखें ऐसे डाल लें, 1 और 2 काफ़ी है। और इसके साथ ही इसमें डाल लेती हूँ सारे मसाले। मसालों का आप देख लीजिएगा, कम ज़्यादा करना हुआ तो आप खुद ही उसको कर लेना। और ऑयल नहीं डालेंगे पहले, क्योंकि मैंने इसको ग्रिल पे बनाना है, थोड़े से ऑयल में बनाऊंगी और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसके अंदर डाल ली है मैंने टोमेटो प्यूरी, ताकि इसका कलर जो है वो रेड हो जाए। इसके साथ ही इसमें डाल लूंगी 4 से 5 जवे लहसुन के, और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब इस सारे बैटर को जो है वो चाम्पों के ऊपर लगा देंगे। तो बैटर सारा इसके चाम्पों के ऊपर लगा लें आप, और इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लें, ताकि सारा मसाला जो है इनके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार हो दी, बड़ी खुशबू वाली है, अच्छी खुशबू आती है। अब इसके अंदर मिक्स कर लिया है हरा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर, और अब करूंगी इसको बंद। ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ दें, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम इसको 2 से 3 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ें। मैं इसको ओवरनाइट के लिए लगा के छोड़ दूंगी, और सुबह इसको इंशाल्लाह हम ग्रिल करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे। सारी रात इसको मैरिनेशन कर ली है, अब आपको मैं दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी शक्ल बन चुकी है, और मसाला जो है इसके अंदर तक सारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब इसको तैयार करते हैं। तो कढ़ाही मैंने रख ली है, कढ़ाही में आपने तेल पहले बिल्कुल नहीं डालना। सबसे पहले इसको डालें मटन को, ताकि ये अच्छे से जो है गल जाए थोड़ा सा, फिर उसके उसको मैं ग्रिल पे रखूंगी और फिर इसके अंदर तेल डालूंगी। अब इसको थोड़ा सा मैं इसके अंदर गला लेती हूँ हल्की आंच पे। चूल्हे को हल्का करके एक दफा मैंने चूल्हा तेज कर लिया, ताकि इसको जोश आ जाए, और फिर उसके बाद हल्का करके 15 से 20 मिनट के लिए इसको गलने के लिए छोड़ दें, और फिर बाद में इसमें तेल डालेंगे। ऑयल पहले नहीं डालना है। इसके अंदर थोड़ी थोड़ी देखें आप चर्बी है, चर्बी से खुद ही जो है वो थोड़ा थोड़ा ऑयल शुरू हो जाता है निकलना, इसलिए इसके अंदर ऑयल भी कम ही डलेगा। अब इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं कि ये गल चुका है कि नहीं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह से आप देखें कि कितनी अच्छी इसकी शक्ल बन गई है, और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। तो चलिए मैं आपको अब चेक करके दिखाती हूँ कि ये गल चुका है कि नहीं। आप देखें, ये देखें कितनी आसानी से ये अलग हो रही है इसकी बोटी। ये देखें, एक और निकाल के, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है, तो ये देखें आप आसानी से ये
तो अब इसका थोड़ा सा पानी जो है वो खुश करती हूँ और फिर इसको ऑयल थोड़ा सा डाल के तो ग्रिल के ऊपर इसको ग्रिल कर रही हूँ। तो देखें माशाल्लाह से खुश्क भी हो चुका है इसका पानी सारा, और अब इसको कर लेती हूँ ग्रिल। और तो देखें ये ग्रिल मैंने रख लिया, इसके ऊपर हल्का सा मैंने ऑयल डाल लिया। अब इसके ऊपर चंपो को रख लेंगे ताकि ये बड़े अच्छे और मजे की हो जाए। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितनी अच्छी ये ग्रिल पे हो चुकी है। तो अब इसकी साइडों को एक दफ़ा ये देखें चेंज कर लेंगे। अब देखें खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी है। ये देखें, क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट वो ग्रिल पे रखती तो ये बहुत अच्छे से नहीं गलता, इसीलिए कढ़ाई में पहले इसको हल्के से मैंने गला लिया ताकि ये अच्छे से गल जाए और उसके बाद जो है इसका ग्रिल पे ये अच्छे से हो जाए। तो देखें अभी इसको 2 मिनट के लिए और रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। देखें माशाल्लाह से ये बड़े अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। अब इसको करती हूँ डिश आउट। और जी तो देखें माशाल्लाह से चांपे बनकर तैयार हैं, बड़ी मज़ेदार लग रही हैं इंशाल्लाह। अब हम तो इनको खाने लगे हैं और मेरा बेटा आपको बताएगा कि ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार। जी तो मेरे बेटे ने भी आपको बता दिया है कि रेसिपी कैसी बनी है, माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। और आज की अच्छी बात करती हूँ, अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है तो इसकी कदर करो, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज़्यादा और फ़िक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो का अख्तिताम करती हूँ, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।